हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं हैरी गिल, मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर, आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड। और दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और दोस्तों ट्रेडिंग के कौन कौन से स्टाइल होते हैं। आज मैं इन सारी बातों को कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग कोई नया सब्जेक्ट नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं है, आप बहुत बार पहले भी ट्रेडिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी मुनाफे के लिए अगर किसी वस्तु का आदान और प्रदान कह सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों उसे भी ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप लोग कंट्री वाइज करते हैं दोस्तों, तो अपने देश से जो विदेश में माल जाता है उसके बाद में बाहर से अपने देश में आता है, तो दोस्तों इसे भी ट्रेडिंग कहा जाता है, हिंदी में से व्यापार बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिंग करेंसी में भी होती है, रियल करेंसी में भी होती है, जैसे इंडियन करेंसी हो गया और पाउंड हो गया या डॉलर हो गया, उसमें भी आप लोग उसका एक्सचेंज करना भी दोस्तों ट्रेडिंग कहलाता है। इसके अलावा आजकल दोस्तों आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है। और दोस्तों आज मैं जो स्पेशली बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट में भी दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग अगर किसी भी कंपनी का दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SBI हो गया या टाटा हो गया, या फिर दोस्तों इसके अलावा इन्फोसिस हो गया, बहुत सारे दोस्तों कंपनियाँ हैं जो कि निफ्टी में, निफ्टी 50 में है, इसके अलावा सेंसेक्स में है। किसी भी कंपनी का अगर दोस्तों हम लोग शेयर खरीदते हैं, उसके बाद में दोस्तों मुनाफा होने पर उसे बेचते हैं, तो दोस्तों इसको भी ट्रेडिंग कहते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही बातें रहती हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी अगर व्यक्ति विशेष अगर ट्रेडिंग करता है तो अपने फायदे के लिए ही करता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में सिंपली आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी सेवा का दोस्तों उसको बेचना और खरीदना दोस्तों ट्रेडिंग कहलाता है। आइए अब बात करते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और किस किस स्टाइल में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है दोस्तों, यहाँ पर उनको टेक्निक्स पता है, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पूरा नॉलेज है, तो दोस्तों वो अलग अलग प्रकार से भी और कई प्रकार के ट्रेडिंग स्टाइल्स में ट्रेडिंग करते हैं। आप सभी लोग भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इससे पहले जानना होगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और दोस्तों किस स्टाइल में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग सेफ जोन में रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करता हूँ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ट्रेडिंग के स्टाइल्स होते हैं वो मेनली 4 से 5 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग बात करेंगे और ध्यानपूर्वक दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में जो आपको सही लगे, जो आपके नॉलेज के हिसाब से, यहां पर आपकी टेक्निक्स के हिसाब से जो आपको फिट लग रहा है, उस स्टाइल में दोस्तों आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना मुनाफा कई गुना ज्यादा बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, पहले बात करेंगे दोस्तों जो पहला स्टाइल है उसे बोलते हैं पोजिशनल स्टाइल। पोजिशनल स्टाइल क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप लोग कुछ सप्ताह से लेकर और कुछ सालों तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेडिंग को हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही कम रिस्क होता है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करते हैं, जब दोस्तों मार्केट प्लस में जाता है तब आप उसको सेल कर देते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए सेफ जोन में रह सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि बार बार आपको स्क्रीन नहीं देखनी होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी ट्रेडिंग के स्टाइल से जिसमें हमें बार बार स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए रखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम लोगों को लॉस और प्रॉफिट के दोनों को जज करना पड़ता है और फिर जाके दोस्तों हम लोग उसको सेल करते हैं, फिर जाके हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप लंबे समय के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना होती ही है। और आगे बात करना चाहूंगा दोस्तों इसमें नुकसान क्या हो सकता है और यहां पर कह सकते हैं कौन से इसके कॉन्स हैं, तो मैं कॉन्स के बारे में बात करना चाहूंगा। यहां पर क्या है कि आप लोगों को लगातार जितनी भी करंट अपडेट्स हैं, जो ओवरनाइट न्यूज है, उस पर ध्यान रखना होता है और यहां पर किसी प्रकार कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। ये कह सकते हैं कि हमें लेवरेज नहीं मिलता, जितना दोस्तों आप लोग पैसा लगाएंगे उसी के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। किसी प्रकार अलग से कोई भी ब्रोकर यहां पर आपको अलग से कह सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं देता है, अलग से लेवरेज नहीं देता है। अब दोस्तों बात करना चाहूँगा दूसरे स्टाइल की, जिसे हम लोग स्विंग स्टाइल बोलते हैं। ये स्विंग स्टाइल क्या है दोस्तों, जब आप कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये भी बिल्कुल जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग उसी प्रकार होता है। यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर निगाहें गड़ाने की जरूरत नहीं है और दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रेस फ्री होकर भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को दोस्तों किसी प्रकार कोई लेवरेज नहीं मिलता है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर भी आपको ओवरनाइट जो न्यूज़ है, करंट अपडेट्स हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को मान लीजिए कि कुछ सप्ताह से तक आप उसको कर सकते हैं, कुछ दिनों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आप 3-4 दिन तक, यहाँ पर इसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं।
और दोस्तों नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, अब बात करूंगा दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग को दोस्तों डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, और इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों कि जिस दिन दोस्तों आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है आपको सेम डे ही उसको सेल करना पड़ेगा। आप उसको अगले दिन के लिए यहां पर लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते, इसे शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें सेम डे रहता है दोस्तों, आपको क्या होता है इसमें आपको प्रॉफिट क्या हो सकते हैं दोस्तों, आपको काफ़ी हाई प्रॉफिट यहां पर होने की संभावना होती है, तभी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों डील करते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, यहां पर लेवरेज मिलता है, यहां पर काफ़ी ज़्यादा जितना पैसा लगाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आपको लेवरेज दिया जाता है, और उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, और दिन भर दोस्तों आपको स्क्रीन को देखते रहना होता है, कैंडल्स को जज करना पड़ता है कौन ऊपर जा रही है कौन नीचे जा रही है। और दोस्तों इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आप वहां पर दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि सेम डे ही उसको आपको सेल करना होता है, आप नेक्स्ट डे के लिए उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है टेक्निक्स का पता है तभी दोस्तों आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों बिगिनर्स के लिए नहीं होती है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वही लोग इसको दोस्तों करते हैं। अगर आपको भी मार्केट का अच्छा नॉलेज हो जाता है, अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, टेक्निक्स अच्छी अगर आपकी हो जाती हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों के लिए होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने एक्सपर्ट हैं मार्केट के, जिनको शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, जिनको लगभग 1 साल 2 साल या 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो कुछ मिनटों में ही बड़े प्रॉफिट कमा लेते हैं। और दोस्तों कुछ मिनटों में बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए उनको मार्केट पर बिल्कुल नज़र रखनी होती है कि किस समय मार्केट बढ़ रहा है, उस समय दोस्तों वो लोग उसको बेच देते हैं जो भी उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं, और अब बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। दोस्तों ये लंबे प्रॉफिट का इंतजार नहीं करते हैं, अगर इनको केवल 0.5% भी प्रॉफिट हो जाता है, दोस्तों कोई एक शेयर नहीं खरीदते, ये 100, 200, 500, 1000 शेयर खरीदते हैं, और 0.5% है अगर इतना भी दोस्तों इनको प्रॉफिट हो जाता है तो ये दोस्तों सेल करते हैं और बड़ा मुनाफा वहाँ से अर्न कर लेते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिलता है और हाई प्रॉफिट रहने की संभावना होती है, लेकिन स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि आपको कुछ मिनटों के अंदर ही इसको आपको पहले बाय और फिर सेल करना होता है। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तभी इसमें आप आन डालें, क्योंकि नए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि नए लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क रह सकता है, काफ़ी रिस्क भरा होता है, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी आप फायदा करना चाहते हैं उतना बड़ा आपका यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो स्कैल्प जो ट्रेडिंग होता है दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इसका पूरा नाम है, वही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है शेयर मार्केट का। आगे बात करना चाहूँगा दोस्तों, जो पांचवा स्टाइल है इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को जितने भी मार्केट में शेयर्स हैं कुछ, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको मौका मिलता है, इसमें कॉल और पुट बटन का दोस्तों ऑप्शन होता है, आप नीचे गिरने पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मार्केट में अगर शेयर बढ़ रहा है तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस को परचेज कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर भी लेवरेज मिलता है, आप लोग थोड़ा पैसा लगाकर आप मार्केट में जो शेयर का लॉट होता है उसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी क्या है, 25 का या 50 का ऐसे लॉट बनते हैं, और लॉट जब आपको पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज हो जाएगा तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और दोस्तों इसको आप कुछ सप्ताह तक रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ये भी दोस्तों 3-4 दिन से लेकर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह उसकी पहले से फिक्स डेट होती है, उस डेट के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और उस डेट के लिए दोस्तों आपको उसको होल्ड करना होता है, उसके बाद में जब वो टाइम आता है उसके बाद में ऑटो सेल भी हो जाता है। दोस्तों ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझकर, टेक्निक्स को समझकर ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको लग रहा हो कि इसमें प्रॉफिट होने की संभावना है तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। जितने भी बिगनर्स हैं मैं उनको सलाह दूंगा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग ना करें, उनको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि जितने भी बिगनर्स होते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मार्केट के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपना पैसा वहाँ पर गंवा भी सकते हैं। जितना भी दोस्तों शॉर्ट टर्म होता है वहाँ पर क्या है कि आपको स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि, और टेक्निक्स नॉलेज भी होना जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी करंट न्यूज़ हैं, करंट अपडेट्स हैं शेयर मार्केट की, उसको ध्यान में रखना होगा। अगर उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना होती है, और आप लॉन्ग टर्म तक अपने जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी दोस्तों आप कर रहे हैं, जो भी स्टॉक्स हैं या फिर जो भी आपने शेयर खरीद रखे हैं उसको होल्ड कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट लेकर वहां से निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो उसको जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।
और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको दोस्तों इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग के कितने स्टाइल होते हैं और किस में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको यहाँ से नॉलेज मिल सके और यहाँ से सीख कर दोस्तों वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और जो भी दोस्तों उनको जानना है या सीखना है वो यहाँ से सीख कर वो अपनी लाइफ में थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं और सेफ जोन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और जो भी दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में जिसमें आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। तो दोस्तों तब तक सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।